राम राम सारे भैया ने, मैं हूँ इंजीनियर अशोक कुमार और आप सबका स्वागत करता हूँ डे टू क्लासेस में। ठीक है, और अब आज हम करेंगे हरियाणा जीके से रिलेटेड टॉपिक करेंगे, और वो टॉपिक कौन सा होगा, जो अपना जो पंचकुला ज़िला है वो हम करेंगे डिस्कस। हरियाणा जीके से रिलेटेड टॉपिक में पंचकुला, मतलब हम सारे टॉपिक ज़िले वाइज करेंगे। ठीक है, ज़िले वाइज भी करेंगे और टॉपिक वाइज भी करेंगे। सारे हरियाणा जीके के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन होंगे और जो भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। और जो आज मैं जो पंचकुला में जो से रिलेटेड जो करवा रहा हूँ उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो किसी किताबों में नहीं दी गई हैं, और हमने जैसे नेट सोर्स है या और कुछ जो सोर्स हैं उनसे हमने उनको इकट्ठा किया है और वो हम आप तक शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अपना पंचकुला ज़िला है इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, स्थापना देखेंगे और इसमें पॉपुलेशन कितनी और इसमें क्या कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं और कौन कौन सी जगह हैं, ठीक है, वो सारी डिस्कस करेंगे हम। जो पंचकुला है इसकी स्थापना हुई थी 1995 में भाई, पंचकुला की स्थापना 1995 में हुई थी और पंचकुला में का जो क्षेत्रफल है वो 816 है। पंचकुला का क्षेत्रफल 816 वर्ग किलोमीटर है भाई। ठीक है, पंचकुला की स्थापना हुई थी 1995 में और पंचकुला का जो क्षेत्रफल है 816 वर्ग किलोमीटर है, और पंचकुला में जो साक्षरता दर है ये है भाई 74%। ठीक है, पंचकुला में साक्षरता दर है जो है वो है 74%, जो लिंगानुपात है पंचकुला का। वो भी 823 व्यक्ति, मतलब ये जो है ये है 1000 पुरुषों पे, ये महिलाओं की संख्या 823 महिलाएं हैं, पुरुष हैं 1000। ठीक है, 1000 पुरुषों के पीछे 823 महिलाएं हैं भाई, और बाकी सारे जो बच गए वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सभी तो चला रखा भाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तभी तो चला रखा है कि ये जो डाटा हैं जो अपने जो महिलाओं से रिलेटेड ये जो थोड़े सुधर जाएं, और अब तो बहुत ही सुधार हुआ है। जैसे अब थोड़े दिन पहले जो एसपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो अच्छी इसमें नायब तहसीलदार वगैरह उसमें पूछा हुआ था क्वेश्चन कि हरियाणा में जैसे लिंगानुपात कितना है, कितना बढ़ के हो गया है, तो वो 840 था, पता नहीं कितना था जो उसका आंसर उसके आसपास हो गया भाई, और ये 850 से भी ऊपर भी होगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हरियाणा में जो मेन जो टेंपल वगैरह हैं जैसे टेंपल जो मनसा देवी मंदिर है, जैसे पहले ये मनसा देवी मंदिर है जो ये 210 साल के आसपास लगभग 200 या 300 साल पुराना मंदिर है ये। इसमें जैसे नवरात्रि के दिन इसमें मेला लगता है, जैसे हिंदू मुगल वास्तुकला का ये वो है, इसमें नवरात्रि के दिन मेला लगता है भाई। नवरात्रि के दिन इसमें मेला लगता है और इसमें ये हिंदू और मुगल वास्तुकला का ये जो एग्जांपल है इसमें मतलब मिलता है इसमें। और अगला जो है छतबीज जू है भाई, अगला जू वगैरह भी हैं। इसमें बहुत सारी मतलब है, इसमें जो पक्षी वगैरह हैं इसकी इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं भाई। ये जो प्रजातियां कितनी जब लगभग 2500 के आसपास पाई जाती हैं, मतलब 2500 से मतलब 2800 के आसपास इसमें प्रजातियां पाई जाती हैं। ये छतबीजू ये घग्गर नदी के किनारे भाई, पाँच सौ एकड़ में फैला है लगभग, ये छतबीज जू है ये लगभग 500 एकड़ में फैला है भाई, और इसमें लगभग 2500 से 2800 के आसपास प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और फिर पिंजौर की बात आती है, अगर हम पंचकुला की बात करते पिंजौर की बात आएगी, ये इसकी स्थापना फिदाई खाने करी थी भाई, पिंजौर की स्थापना फिदाई खाने की थी, और
पिंजौर में जो भी मतलब देखने योग्य जो है रंग महल, शीश महल और जल महल वगैरह, वैसे जल महल नारनौल में है इम्पोर्टेंट, परंतु यहाँ भी है और नाडा साहिब गुरुद्वारा भी है, जैसे गुरुद्वारा नाडा साहिब इम्पोर्टेंट है। गुरुद्वारा नाडा साहिब है यहाँ, और पिंजौर की स्थापना राज को जो ये था फिदाई खाना की थी, की थी SIIDC, ये IIT पार्क है भाई, कोई ये पंचकुला में है IIT पार्क, और ये जो IIT पार्क है ये सेक्टर 22 में पड़ता है। ये IIT पार्क सेक्टर 22 में पड़ता है भाई, और ये गुरुद्वारा नाडा साहिब हो गया, और जो अपना रामगढ़ का किला है वो भी है यहाँ, रामगढ़ फोर्ट, रामगढ़ किला है भैया। ये जो चंदेल राजपूत थे उन लोगों ने बनवाया था भैया, चंदेल राजपूत ने बनाया था, और वैसे तो चंदेल ये वहाँ पड़ता है MP में, चंदेल MP में है भाई। ये थे जो राजा महाराजा, और इसमें ये जो एक दो बांध है जैसे कौशल्या बांध है, ये भी है भाई पंचकुला में कौशल्या बांध, कौशल्या नदी पे भाई, कौशल्या बांध कौशल्या नदी पे पंचकुला में है भाई। और जो अगला है वो वीर शिकारगढ़, खोल हीरातान, और ये भी हैं सारे, और फिशेंट, ठीक है, खोल हीरातान, वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ ये इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ फैशन इंस्टीट्यूट भी है एक, सेक्टर 23, मतलब सेक्टर 23 में फैशन इंस्टीट्यूट, गोल्फ कोर्स है यहाँ, गोल्फ कोर्स है भाई ये, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी गोल्फ कोर्स की 2003 में हुई थी भाई, इसमें ये पता नहीं 100 है, पता 150 है, 100-150 एकड़ में है ये, ठीक है, 100-150 एकड़ में है ये। और जटायु प्रजनन केंद्र भी है यहाँ, जटायु प्रजनन केंद्र, ये पंचकुला में है भाई, जटायु प्रजनन केंद्र ये भी पंचकुला में है भाई, ठीक है। और जो अपना भीमादेवी मंदिर है, जो उत्तर भारत का खजुराहो जिसको बोलते हैं, भीमादेवी मंदिर, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना वैसे, ये जो भीमादेवी मंदिर है ये पंचकुला में भाई, इसको उत्तर भारत का खजुराहो भी बोलते हैं। ये भीमादेव जो टेंपल है ये है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें देवीलाल स्टेडियम है, तो एक ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ठीक है, ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम वगैरह हैं, ये सारे सेक्टर 3 में हैं भाई, ठीक है। ये SIIDC जो था वो अपना IIT पार्क था, और इसकी जो मोरनी हिल भी है यहाँ, जैसे इसकी मोरनी हिल, उसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ मोरनी हिल्स की भाई, 1500। ये HSSC के ऑफिशियल डाट जो HSSC जो मानती है उसके अकॉर्डिंग है, वैसे तो 1500 नहीं है, बहुत कम है भाई, ठीक है। जैसे ये HSSC मानती है 1500 है, इतनी इसकी मोरनी हिल की चोटी है जो करो उसकी है, मोरनी हिल्स की चोटी है करो उसकी, बहुत बार ये एग्जाम में पूछ भी ली कि मोरनी हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो करो है भाई मोरनी हिल्स की। और ये जो उसकी ऊंचाई कितनी है ये भी पूछ ली, ये 1514 है, ठीक है। पंचकुला का एक बात हो रहा है, पंचकुला का
जो पंचकुला है ना उसका व्हीकल कोड कितना है, जो पहले एचसीएस वगैरह के एग्जाम हुआ करते उसमें व्हीकल कोड वगैरह पूछे, और बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं जैसे अदर स्टेट के भी, उन लोग जो वो अपने जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उसमें व्हीकल कोड वगैरह पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसका व्हीकल कोड है HR03, और HR03 तो इसका व्हीकल कोड होगा भाई। और जो इसका जो डायलिंग कोड है, जैसे मोबाइल फ़ोन जैसे ये जो होता है अपना जो लैंडलाइन फ़ोन, उसमें 0172 0172 है भाई इसका, ठीक है। और इसमें कसौली भी है, जैसे ये जो अपना मोरनी हिल्स में, इसमें कसौली भी है जो जहाँ घूमने जाते हैं लोग, कसौली भी है, ये पंचकुला में पड़ता है कसौली भी, ठीक है। और छतबीज जू बताया था आपको, गगर नदी के किनारे था, छतबीज जू था अभी बताया था, गगर नदी के किनारे था। ठीक है, छतबीज जू था ये अपना, गगर नदी के किनारे भाई, ठीक है। कौशल्या बांध बता दिया आपको, जटायु प्रजनन केंद्र बताया, फिशेंट प्रजनन केंद्र, फिशेंट भी है, फिशेंट प्रजनन केंद्र है यहाँ, ठीक है। और अपना जो एक इम्पोर्टेंट जो एक क्वेश्चन और है, जो वेद प्रकाश मलिक जी हैं, वेद प्रकाश मलिक, ये जो अपना कारगिल वार हुआ था उसके मतलब वो थे, मतलब आर्मी के अंदर थे ये वेद प्रकाश मलिक, ये दो ये थे, ठीक है, इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं भाई ये भी, ठीक है, नोट कर लेना इसको भी, स्टॉप कर।